अयोध्या के जीआईसी मैदान पर रविवार को अमृत महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम का समापन हुआ। देश 75वां आजादी का वर्षगांठ मना रहा था, जिसके तहत रविवार को जीआईसी के मैदान पर अमृत महोत्सव का समापन किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने वंदे मातरम गीत गाया और भारत माता की आरती उतारी। अमृत महोत्सव समिति के संयोजक महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि अमृत महोत्सव समापन के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने वंदे मातरम गीत गाया और भारत माता की आरती उतारकर वर्तमान पीढ़ी को आजादी के दीवानों की कहानियों के बारे में रूबरू कराया। इसके साथ ही शहीद हुए अशफाक उल्ला खां को श्रद्धांजलि दी गई। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद हुए CDS जनरल बिपिन रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही सैनिक परिवार के लोगों का सम्मान भी किया गया। वर्तमान पीढ़ी को आज़ादी के आंदोलन के इतिहास से परिचित कराना, जिन लोगों ने इस देश के अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया है, उनके बलिदान से आज की पीढ़ी को परिचित कराना और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करना, अपना आभार व्यक्त करना, उनके प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करना। कार्यक्रम भारत माता की आरती, वंदे मातरम का गायन और अशफाक उल्ला खां साहब को श्रद्धांजलि, CDS बिपिन रावत जी का जिनको अभी कुछ दिन पहले दुर्घटना में देहांत हो गया उनको श्रद्धांजलि, और उन वीर परिवारों को जो अयोध्या फैजाबाद के रहने वाले हैं, जिनके परिवार ने अपनी शहादत दी है आज़ादी के या विभिन्न लड़ाइयों में, उनके परिवार को श्रद्धांजलि। कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने कोरोना के विपरीत परिस्थितियों में इस देश की हमारे समाज की सेवा की, उनको उनके परिवार को सम्मानित करना, उनको सम्मानित करना।